हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांग बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज के मार्केट में हम लोगों ने देखा बेसिकली कि जो भी पुट बाय कर रहा था या जो भी कॉल बाय कर रहा था या जो भी लॉन्ग था या शॉर्ट था, दोनों लोग ट्रैप हो रहे थे, दोनों लोगों के स्टॉप लॉस सेट हो रहे थे। किस तरीके से चल रहा था अगर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आज निफ्टी को स्टडी करेंगे और देखेंगे। अब हमने देखा था कि लास्ट टाइम पे डेफिनेटली ब्रेकडाउन आ गया था और मार्केट डेफिनेटली बियरिश साइन लग रही थी, बिकॉज मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ी हुई थी और वहां पर एक शॉर्ट क्लियर दिख रहा था। तो जितने लोग भी पुट्स बाय कर रहे थे, इवेंचुअली मार्केट एक ऊपर की तरफ स्पाइक देती थी आफ्टर गिविंग अ फॉल्स ब्रेकडाउन एंड इवेंचुअली फिर वहां से नीचे आती थी, और लास्ट के फ्यू मिनट्स पे ही हम लोगों ने एक ब्रेकडाउन देखा और वो भी एक जगह जाके पहुंच लिया। अब यहाँ से देखिए दो तीन चीज़ें क्लेरिफाई हो रही है। एक बार चार्ट्स पे चलते हैं, वहीं पर ही पूरा एक्सप्लेन करेंगे कल कैसे ट्रेड लेना है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और एक खास चीज़ सिर्फ आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, जिस पे कल एक्सपायरी है थर्सडे को, किस तरीके से हम ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर कल गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो कैसे ट्रेड लेना है, कौन से ऑप्शंस तब खरीदना है, मार्केट साइडवेज होकर ऊपर जा रही है तो कैसे लेना है, तो उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट कल जो आप ट्रेड ले सकते हो ऑप्शंस पे, जिसपे ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग सब कुछ होने वाला है, वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए वहां पर ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ जाके ज्वाइन करना है। वहां पे आपको सारे अपडेट्स कल की मार्केट के और हर मार्केट के मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक क्या है, कौन से स्टॉक्स कल हम खरीद सकते हैं। सो अभी आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है, एंड अगर मैं इस चार्ट को लेकर चलता हूँ ना अर्ली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ चेक करोगे तो ये एक लेवल था जिस लेवल से एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ठीक है। ये जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली है, ये लेवल पे इसने दोबारा कोशिश करी, नहीं जा पाया, अगेन ये ऊपर गया। फाइनली इसने ना 27th ऑफ जून को एक ब्रेकआउट दिया, गैप अप खुला बट सस्टेन नहीं कर पाया, दैट मीन्स इस लेवल के ऊपर कोई भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं करी है। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो अगेन इसने एक मूव ऊपर दी, क्लोज नहीं कर पाया एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे, इसने क्लोज करा, अगेन नेक्स्ट ट्राई करा, आप देख सकते हो इस लेवल पे इसने रिजेक्शन फेस करा और अगले दिन एक गैप डाउन ओपनिंग आई। सो दैट मीन्स कि ये जो लेवल है, दैट मीन्स जो 15,890 का जो लेवल है वो भी एज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स ओपन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो ना 5 मिनट्स टाइम फ्रेम आप चेक कर सकते हो कि ये एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज के अंदर भी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। हम लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली इस रेंज को इसने टेस्ट करा, एक फॉल आई, अगेन एक अप मूव दी, अगेन एक फॉल आई, इस लेवल पे जहां पर पहले सपोर्ट था अगेन ये रेजिस्टेंस हुआ, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट हुए, यहाँ पर ये पॉज ले रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, दैट इज कि अगर 15,780 का लेवल ब्रेक होता हो ना 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, एक 5 मिनट की बियरिश कैंडल की क्लोजिंग हमें इस लेवल के नीचे देखने को मिलती है, हमें क्लियर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अब हमारे टारगेट्स क्या होंगे, देखिए जो मैं टारगेट्स अज्यूम करके चल रहा हूँ, दैट शुड बी फर्स्ट टारगेट इज दिस एंड सेकेंड टारगेट इज दिस एंड थर्ड टारगेट इज दिस, ठीक है। तो मैं ये तीन टारगेट्स आप लोगों के सामने लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल क्लोज है, फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकेंड ये, मैं आपको एक बार लेवल्स बता देता हूँ, 15,730 से लेके 15,680 तक, ये तीन टारगेट्स हैं जो हमें क्लियरली शो कर सकता है अगर ये लेवल ब्रेक होता है। और अगर ये लेवल्स ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं, अगर ये 15,680 भी ब्रेक होता है तो और लो लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी अप्रोच, ये ट्रेंड लाइन है, अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है, दैट इज कि अगर 15,850 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, हमारा पहला और एक ही टारगेट है 15,890 का, जहां पे ऑन अर्ली टाइम फ्रेम मैं आपको दिखा चुका हूं कि एक बड़ा रेजिस्टेंस हमें शो कर रहा है। अब अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और हम देखते हैं कि अर्ली कैंडल, मतलब एक कैंडल ऊपर जाते जाते एक अर्ली कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गई है, तो हम अपना एक बाय ट्रेड जरूर ले सकते हैं और तब हम एक पोजिशनल बाय बना सकते हैं फ्राइडे के लिए भी, और तब अपनी अपॉर्चुनिटी जो एग्जामिन कर सकते हैं, दैट शुड बी दिस, जो कि ये गैप फिलिंग था जो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। दोनों अप्रोच बता दी है, अगर ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ये हमारा टारगेट है, तब हम निकल जाएंगे, तब हम पेशेंसली वेट करेंगे जब तक इसके ऊपर अर्ली कैंडल क्लोज नहीं करती है, तब ये टारगेट होगा, अदरवाइज ये लेवल के नीचे अगर 5 मिनट की भी कैंडल ब्रेक करती है तो ये हमारे लेवल्स होंगे, ठीक है। एक बार स्टडी कर लेते हैं बैंक निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं ओपन करके दिखाऊंगा आप लोगों को 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ठीक है, ऑन अ 5 मिनट्स सॉरी ऑन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते थे कि ये एक लेवल था, उस लेवल के नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग हुई तो कुछ खास हुआ नहीं, इस लेवल पे ओपन हुआ जहां पे मल्टीपल कंसोलिडेशन था,
रिजेक्शन लिया, ऊपर करा एग्जैक्टली अपने इस लेवल को रिजेक्शन लिया और नीचे आ गया। सो बैंक निफ्टी के लिए तो बहुत सिंपल टास्क है। क्या टास्क है? अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे, जिस लेवल पे अभी क्लोज हुआ है उससे 30-40 पॉइंट नीचे भी अगर उसने 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, हम बैंक निफ्टी के लिए ना और अच्छा ले लेते हैं, लेट से 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज कर देती है बैंक निफ्टी के नीचे, ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा दैट इज 33,050 रुपीज का। 33,050 रुपीस इजिली हमें देखने को मिल सकता है। आफ्टर दैट अगर 32,970 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तब हम एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन दोबारा ले सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब आती है कि बैंक निफ्टी में हमें हायर साइड में क्या करना है। सो देखिए, बैंक निफ्टी में हायर साइड के लिए मैं कल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तभी देखूंगा जब बैंक निफ्टी ओपन होगा और किस तरीके से मोमेंटम होती है। सो मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर कल शॉर्टिंग का डे होता है तो बैंक निफ्टी में अच्छे टारगेट्स मिलेंगे, अगर कल लॉन्ग का डे होता है तो निफ्टी हमें अच्छे टारगेट्स दे सकती है। सो लॉन्ग के लिए निफ्टी, शॉर्ट के लिए बैंक निफ्टी, इस पर आप अपनी अप्रोच लेकर चल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको हेजिंग पर्पसेज करना हो ना तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप बैंक निफ्टी फॉर लेट से कि अगर शॉर्टिंग का डे है सो आपने बैंक निफ्टी क्लियर शॉर्ट कर दिया और हेज के लिए आपने निफ्टी को लॉन्ग कर दिया, ठीक है, तो वो ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। और लॉन्ग दूर का कर लो कि ज़्यादा सेम डिफरेंस हमें देखने को मिलना मिले कि बैंक निफ्टी गिर रहा है निफ्टी बढ़ रहा है तो सेम हमें लॉस या प्रॉफिट कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, आउट ऑफ द मनी का देख सकते हो, बट जल्दी एग्जिट कर लेना उस चीज़ को। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो सबसे पहला स्टॉक का नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स एंड लेट मी जस्ट ओपन दिस। या सो इसने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करा है, एक अच्छी इम्पल्स मूव दी थी, एक अच्छा कंसोलिडेशन था एंड फाइनली इसने इस लेवल का, जिस लेवल के ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं कर रही थी, सेम जो निफ्टी के अंदर था ना कि बियरिश कैंडल तो ऊपर खुलती थी बट वो नीचे क्लोज कर जाती थी, अब इसने लास्ट पे एक कैंडल क्लोज करी है और सस्टेन करा है। वॉल्यूम्स भी आप देख रहे हो हल्के 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 इंक्रीज होके मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज करें, विच इज अ गुड साइन। अब करना क्या है, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी ये स्टॉक बताया है कि 347.5 के ऊपर अगर 5 मिनट की या 3 मिनट की कैंडल क्लोज करती है हम बाय कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट है दैट शुड बी अराउंड 356 रुपीज का, जो कि अकॉर्डिंग टू फ्लैग एंड पोल पैटर्न का टारगेट है। इसके ऊपर भी हम टारगेट्स एक्सपेक्ट करें 365 के, कैसे, लेट मी शो यू। आप चेक कर सकते हो कि ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, एग्जैक्टली अपने लोस को टेस्ट करके अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है ये टारगेट तो अकॉर्डिंग टू फ्लैग एंड पोल है जो बना है, और नेक्स्ट टारगेट हमारा यही रेंज होगा जो हमें देखने को मिल सकता है 365 का, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज INDIAN होटल, इंडियन होटल की बात करें। ये स्टॉक भी आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड यू, लेट मी ओपन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर यू, ठीक है। ऑन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम सेम चीज, एक अच्छी इंपल्स मूव आई, एक रेंज का कंसोलिडेशन हुआ और एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अभी ये ट्रेड कर रहा है 231 रुपीज के आसपास। व्हाट यू हैव टू डू, अगर ये 232.30 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है, कोई भी 5 मिनट की रैंडम कैंडल बुलिश कैंडल क्लोज करती है कोई भी टाइम फ्रेम पे, वी कैन गो फॉर अ बाय, ठीक है। बट याद रहना 232.30 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए तब हम बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट इंट्राडे का बहुत छोटा रहेगा 235 रुपीज का अकॉर्डिंग टू फ्लैग एंड पोल पैटर्न, और हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। जो लास्ट स्टॉक है दैट इज क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया पे अगर आप चेक करोगे एक बहुत अच्छे इस पर्टिकुलर रेंज का जिसके ऊपर ये जाता ही नहीं था, आप देख सकते हो कि 3rd of June से ये फॉल आया था, 3rd of June से नीचे आया, बहुत मल्टीपल रिजेक्शंस लिया, अगेन फॉल, अगेन इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करने की कोशिश करी बट अगेन नहीं आया, अगेन एक फॉल आया एंड नाउ इट गेव अ वेरी क्लियर ब्रेकआउट। अभी जो ब्रेकआउट दिया है इस ब्रेकआउट पे बस एक चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, दैट इज द वॉल्यूम जो कि बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, दो सिचुएशन हो सकती है, जो वॉल्यूम बहुत तेजी से कर रहा है और ये जो ब्रेकआउट आया है, या तो लोगों ने बहुत तेजी से इसके अंदर एंट्री पोजिशन बनाई है, या तो दूसरी चीज ये हो सकती है कि यहाँ पर जो बायर्स, जो वॉल्यूम्स एडिशन हुआ और जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, तो ये कुछ सिचुएशंस भी हमें देखने को मिल सकती हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, हमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। सो अभी जो करंट प्राइस है दैट इज क्यूमिंस इंडिया का 1025 है, हमें 1028.29 के ऊपर अगर हमें कोई 5 मिनट या 3 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग दिखती है तो ही हम बाय करेंगे, बिकॉज अगर ये इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है अपने आज के हाई के ऊपर तो डेफिनेटली दैट मीन्स कि बायर्स का ही कंट्रोल है रादर देन सेलर्स का, तब वहां पर हम अपनी एक अच्छी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सो हमारे जो टारगेट्स होंगे दैट शुड बी अराउंड 1045 टू 1055 के बीच का, एंड हमें इजिली यहाँ पर 25-30-40 रुपये मिल सकते हैं। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट है और एक हमारा जो प्रीवियस स्विंग है दैट शुड बी आर टारगेट।
सो दीज आर द थ्री स्टॉक्स दैट यू कैन वॉच पीडीएफ आपको रिसर्च रिपोर्ट ऑलरेडी प्रोवाइड हो जाएगी. सो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें. इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी बहुत आप लोगों को हम नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं थ्रू डाटा एंड एवरीथिंग, तो वहां पर जाके भी हमें जरूर फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड गिव अ लाइक टू दिस वीडियो. बाय बाय, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो.